हे गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का एक और नए ब्लॉग में। मैं आ चुका हूँ वापस आपको ग्राउंड जीरो का अपडेट देने के लिए, बुलेट ट्रेन का, कि बुलेट ट्रेन का वर्क कितना हो चुका है और कितना हो रहा है। बट आज वर्क में जो आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही खास, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि एक मशीन चल रही है यहाँ पर जो कंक्रीट डाल रहे पिलर के ऊपर। और मैं भी देवड़ी गाँव में खड़ा हूँ। ये देवड़ी गाँव है, अहमदाबाद का एक छोटा सा गाँव है, अहमदाबाद ज़िले का एक छोटा सा गाँव है देवड़ी गाँव। मैं यहाँ पर आके खड़ा हो चुका हूँ और मेरे पीछे आपको दिख रहा है पिलर का तमाम सारा काम चालू है इस साइड। और आपको दिखाओ यहाँ भी, तो ये पिलर ये वाला बन रहा है अभी, इसका भी आधा अंदर, इसके भी कंक्रीट नहीं किया गया है, कंक्रीट भी इसके अंदर करना बाकी है, बट इसका इसका इतना काम हो चुका है। बट मैं आपको आज जो दिखाने वाला हूँ बहुत ही अच्छा दिखाने वाला हूँ। एक मशीन चल रही है यहाँ पर जो कंक्रीट कर रही है ऊपर। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे प्रेस करना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन बुलेट ट्रेन की अपडेट की मिलती रहे और फिर मैं आपको अपडेट देता रहूं। दोस्तों, बुलेट ट्रेन की अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बुलेट ट्रेन अपडेट जीरो ग्राउंड से यही चैनल आपको देता रहेगा। तो चलो दोस्तों, मैं आपको पीछे कैमरा करके दिखाना स्टार्ट करता हूं बिना समय गंवाए। ये देख सकते हो दोस्तों, मैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा करीब उसके आ चुका हूँ और आपको यहाँ से इन्फॉर्म दे रहा हूँ। ये देख सकते हो आप, वाली जो मशीन है कंक्रीट डाल रही है अभी ऊपर पिलर की, जैसे आप देख सकते हो ये वाला पिलर रेडी हो चुका है, इसके ऊपर भी कंक्रीट उसी मशीन ने डाला था। और लगभग यहाँ पे 1, 2, 3 और यहाँ पे आधा आधा इधर भी पिलर हो चुके हैं इतना। मैं आपको इधर का अपडेट दे देता हूँ। पहले इधर का आप ये देख सकते हो, कंक्रीट मशीन डाल रही है, इधर उधर चल चल के उसको चला रहे हैं लोग, गिट्टी विट्टी लेके आए हुए हैं, उसके अंदर डाल रहे हैं सारा मटेरियल, डाल रहे हैं पिलर के अंदर, जिससे पिलर की मजबूती रहे। और यहाँ पर काम दोस्तों बहुत ही फास्ट, इतना फास्ट चालू है कि पूछो ही मत आप, इतना फास्ट काम चालू है इसका। दोस्तों, अब ये वाला पिलर आप दोस्तों देख सकते हो, सरिया कितना बारीकी से लगाया गया, कितना बारीकी से सरिया लगाया गया हो, ये देख सकते हो दोस्तों। लग रहा है जैसे किसी घर का मौका हो, जैसे घर में होता नहीं छोटा छोटा मौका लोग खुलवा देते हैं, वैसा मौका लग रहा है। नीचे का कंक्रीट पूरा हो चुका है, नीचे का पूरा कंक्रीट हो चुका है, लगभग इतना एक हाथ जैसा ऊपर ही कर दिए। देखो कंक्रीट, ये देख सकते हो आप, ये मैं बिल्कुल नीचे आ चुका हूँ, आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखो ये देख सकते हो दोस्तों, अब ये वाला है, ये वहाँ ऊपर तक ये देख सकते हो आप, ये ऐसा कुछ है इस पिलर का काम। सरिया काफ़ी ज़्यादा मोटा भी है, ये देख सकते हो तो कितना मोटा सरिया है, ये वाला तो और मोटा, ये वाला और जाड़ा है, ये वाला बहुत जाड़ा है ये। और बिल्कुल मैं नीचे खड़ा हूँ, ये देख सकते हो आप, इसका तरिए का पूरा काम हो चुका है, इधर तमाम सारे लोखन वगैरह रखे गए हैं, ऐसी बात नहीं है, इधर भी काम बहुत ही फास्ट चालू है। मज़ा बहुत सारा दोस्तों देखने, और अनुभव हो रहा है कि बुलेट ट्रेन जब चलेगी तो आपको कितना जल्दी आपको जीवन शैली कितनी बढ़ जाएगी हमारे हम लोगों की, कि जो रास्ता भी मुझे सूरत जाना है तो ट्रेन ढूंढ रहा हूँ कौन सा ट्रेन से जाऊँ, 3 घंटे 4 घंटे का समय ले रही है। बट ये ट्रेन जब चल जाएगी हमारे दोस्तों तो बहुत ही कम समय लगेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से हम सफ़र कर पाएंगे। और अगर आपको बुलेट ट्रेन का ज़्यादा अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मैं ज़्यादा अपडेट देता हूँ। आपको मैं ये वाला पिलर दिखा दूँ, ये वाला पिलर आप देख सकते हो, इसका भी कंक्रीट नहीं हुआ है अभी, इसका नीचे का तलिया भी नहीं बनाया गया है, कि नीचे एक तरिया बना दिया जाए इसका, देख सकते हो आप, अभी इसका तरिया बनाने का काम चालू है। वहाँ पे देखो लोखन वगैरह इस प्रकार से, यहाँ से एक लोखन यहाँ से देखो लगाया गया, कुछ टाइट किया गया इस प्रकार से, यहाँ से देख सकते हो तो वहाँ तक देखो टाइट किया गया बिल्कुल से। इसका भी काम, इसका यानी इसका कल्याण होने वाला है, इसका काम बहुत जल्द पूरा ही होने वाला है दोस्तों, अभी इसका नंबर आ चुका है अब। तो दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर एक मशीन, ये रही जो ऊपर कंक्रीट डालने का काम कर रही, पिलर के बिल्कुल ऊपर पिलर पूरा हो जाएगा अगर ये वाला कंक्रीट जो पड़ रहा है, ये कंक्रीट अगर जो पड़ जाएगा तो ये पिलर लगभग पूरा 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 हो जाएगा। और मैं आपको और दिखा देता हूँ यहाँ से, देखो जैसे आप देख सकते हो ये वाला पिलर पूरा हो चुका है, ये वाला पिलर पूरा हो चुका है, फिर भी उस पर कंक्रीट का काम हो रहा है, वो भी लगभग पिलर पूरा हो जाएगा आज के दिन में, उसको पूरा कर देंगे वो लोग। उसके आगे एक पिलर और है, आधा हो चुका है, पर आप इधर देख सकते हो पिलर की हाइट कितनी है। मैंने आपसे अगले वाले वीडियो में आपसे बताया था कि इस साइड में भी आया हूँ, इधर पिलर का हाइट कम करते जा रहे हैं, नीचे करते जा रहे हैं, ये देख सकते हो आप दोस्तों। चलो अभी चलते हैं थोड़ा और आगे, आपको और करीबी जानकारी देते हैं पिलर के बारे में, तो चलो चलते हैं। अब ये देख सकते हो दोस्तों, तमाम सारा जो लोखन वगैरह लाया गया है, जो पिलर के बगल बगल में जोड़े जाते हैं, जैसे कि आपको मैंने आगे भी दिखाया था पिलर में जोड़े गए हैं, उसके बाद कंक्रीट उसके अंदर कंक्रीट डाला जाता है, तो ये तमाम सारे लोखन वगैरह इधर आ चुके हैं, रखे गए हैं, ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ये आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे लोखन वगैरह यहाँ पर ला के रखे गए हैं ये, और पिलरों का काम स्टार्ट है। अब बुलेट ट्रेन कब चलेगी वो तो दोस्तों पिलर बनने के बाद ही अपडेट मिल सकता है, पर मैं अगर आपको जो मैं न्यूज़ चैनलों से सुना हूं और जो मैं लगभग जानता हूं वो बता दूं,
ये लगभग 25 से 26-27 के बीच में ऐसा बताया जा रहा है बुलेट ट्रेन चलेगी। तो देखो दोस्तों कब चलती है, कि ये तो जो बना रहे हैं उनको भी शायद पता नहीं हो कब चला सकते हैं वो, हो सकता है 1 साल आगे पीछे हो जाए, बट जल्दी चल जाएगी दोस्तों हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन, उसकी टेंशन उसका टेंशन तो हम नहीं रह गया है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा वो वाला मशीन, आपको वहाँ पे वो वाली, ये वाली मशीन जो दिख रही होगी आपको, ये वाली कंक्रीट कर रही है अभी ऊपर पिलर के, मैं उससे काफ़ी दूरी पे खड़ा हूँ, उसके पहले का मैं लोग वहाँ से ले आया बना के, वही मैं आपको डाल दूंगा इस वीडियो के अंदर। और आप देख सकते हो पिलर यहाँ पे हाइट काफ़ी ज़्यादा पिलर कम किया गया है, मैंने आपसे इससे सारे वीडियो में बताया कि हाइट कम किया जा रहा है सारे पिलरों का इधर साइड का, क्योंकि इधर साइड ना शहर जैसा नहीं है, आपको दिखाता हूँ तो इधर गांव जैसा है पूरा, ये देख सकते हो आप, मैं आपको घुमा के पूरा कैमरा दिखा देता हूँ, इधर गांव जैसा है तो इधर कोई दिक्कत नहीं है, इधर पिलर नीचे भी रखेंगे तो कोई उनको कोई दिक्कत होने लगे। और काम दोस्तों बहुत ही फास्ट चालू, अभी सुबह लगभग 9:30 का टाइम हो रहा है और देख सकते हो आप कितना काम वहाँ पर चालू, वो लोग आ चुके हैं, काम बिल्कुल स्टार्ट कर चुके हैं ग्राउंड जीरो के। तो अभी चलो दोस्तों आपको मैं और दिखाता हूँ इस साइड कुछ, इस साइड कितना काम हुआ है, इस साइड कितना वर्क हो चुका है कंक्रीट का, तो इस साइड में आपको दिखाऊँ तो अभी उतना काम हुआ नहीं है, ये देखते हो उतना काम नहीं हुआ अभी जितना होना चाहिए था, बट काम दोस्तों स्टार्ट है बहुत ही तेज़ी के साथ। काम की अगर बात की जाए तो दोस्तों मैं यहाँ पे हूँ, मैं रोज़ देखता हूँ कि अगर अभी मैं इस पिलर को ऐसा देख रहा हूँ तो कल ये पिलर दूसरी तरह हो जाएगा कल आऊँगा तो, क्योंकि एक दिन में ये लोग कुछ भी करके छोड़ देते, बदल देते हैं पूरे इधर की लोकेशन को बदल देते हैं इधर के, अब समझ नहीं पाओगे मैं कौन सा पिलर देख के गया और कैसा हो गया है। सो गाइस, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो देखने में और समझने में मज़ा आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को इधर उधर दोस्तों के साथ अपने भाइयों के साथ शेयर करना दबा के, जिससे वीडियो वायरल हो जाए दोस्तों, मेरा भी क्या मन लगने लगे और भी अच्छे तरीके से ब्लॉगिंग करने में वीडियो बनाने में। अगर आपको बुलेट ट्रेन का अपडेट चाहिए अहमदाबाद से ग्राउंड जीरो का, तो दोस्तों एक ही चैनल भी चल रहा है अहमदाबाद से, वो भी कुलदीप के ब्लॉग से चल रहा है, बुलेट ट्रेन का अपडेट दे रहा है आपको, बाकी सारे चैनल जो हैं वो सूरत नवसारी और मुंबई से हैं, बट अभी अहमदाबाद से अगर मैं चैनल बताऊँ तो मैं अकेला ही अपडेट दे रहा हूँ और कोई अभी अपडेट दे नहीं रहा है अहमदाबाद से बुलेट ट्रेन का। दोस्तों प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों, और कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हमारे लिए। चलो मिलते हैं आपसे ऐसे कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।